तो भाई आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है घर से ही। मैं जा रहा हूँ ऊपर मशीन को तेल पहुँचाने के लिए। हाइड्रोलिक थोड़ा काम हो गया था तो उसी को पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं। बाकी ये चेक करो व्यू एक बार, आपको कितना ख़तरनाक व्यू आ रहा है। बाकी ये रही गाड़ी, तो करेंगे स्टार्ट और चलेंगे ऊपर और करेंगे बात आगे चल के ही कैसा हमारा आज का ये टूर रहता है, कहाँ मशीन लगी है, मैं आपको पूरा बताऊँगा। फिलहाल के लिए देखते रहो, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, ताकि बहुत ही मजा आने वाला है। मैं बताऊंगा आपको ये कैसा मजा आने वाला है और इतना नहीं। बाकी यार अगर हमारे चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मशीन लगी है, बदन होता मैं एक और हमारे मैंने नया ऑपरेटर बुलाया था तो वही आया है, अभी वो चला रहा है मशीन को। तो बाकी व्यू आप लोग एक बार चेक करो, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। बाकी चलते हैं आगे और बताऊंगा मैं आगे चल के ही आपको, तो देखते रहो। तो बाकी भाई आज 3-4 दिन हो गए हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं बीमार हो गया था, तो उस वजह से मैं टाइम नहीं लगा। तो आज मुझे टाइम लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ब्लॉग बना लें। तो बाकी क्या करके जाऊँगा अभी बदन होता जाने के लिए अभी लगेगा टाइम, तो तब तक के लिए आप भी बैठो हमारे साथ और मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा बदन होता का रास्ता है और कैसा ही मज़ा आने वाला है। चलेंगे आगे और बताऊंगा यार, सेहत ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ी भाग दौड़ रहती है लगी हुई। पहले ये गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसकी क्लच फेल डाली, तो उसके बाद मशीन को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ले डलवाई, यहाँ पे वो ले भी नहीं मिली, तो दिल्ली से मंगवाई थी तो कल शाम को ही पहुँची थी, तो वो भी बिलावर से मंगवाई थी, अभी मुझे मिली है। वो भी जाऊँगा मैं मशीन को देंगे और ले भी और हाइड्रोलिक ऑयल भी देंगे, और उसके बाद आऊँगा मैं वापस घर। बाकी ये चेक करवा लूँगी एक बार, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है भाई लोग। ये देखो ऊपर सामने पहाड़ियों पे बर्फ़ भी है, लेकिन अभी बर्फ़ कम ही है, पहले पहले बहुत बर्फ़ हुई, अब बर्फ़ चले गई, अब आ गया गर्मियों का मौसम। तो करते हैं इंजॉय और देखते हैं गर्मियों का मौसम में कैसा मज़ा आने वाला है और कैसा नहीं। तो बैठो अभी दिल थाम के और ब्लॉग में आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, पूरा ब्लॉग देखो तभी मज़ा आएगा, ऐसे तो कुछ भी पता नहीं लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी ये चेक करो ऊपर का व्यू आज कितना ख़तरनाक वाला आ रहा है, मौसम थोड़ा साफ़ है तो तभी मज़ा भी आता है मेरे भाई, जब मौसम साफ़ हो, अगर मौसम साफ़ नहीं हो तो मज़ा भी नहीं आता है। बाकी ये देखो ये चेक करो वो पार, उधर जाऊँगा मैं पार। तो बाकी ये चेक करो कितना ख़तरनाक व्यू आ रहा है, ये बंदा खड़ा हो गया इधर, ये देखो ये आ गया नाठी का व्यू, बहुत ही ख़तरनाक। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे अगर मेरा आपने पहले ब्लॉग देखे होंगे सर्दियों के, तो यहाँ का ब्लॉग जो मैंने डाला था ना बहुत ही ख़तरनाक था उस टाइम, यहाँ पे कितनी बर्फ़ होती थी। और आज चेक करो कोई बर्फ़ शर्फ नहीं है यहाँ पे। अभी ये चेक करो आप लोग व्यू एक बार, कितना ख़तरनाक आ रहा है मेरे भाई, ज़बरदस्त। ये बाइक आ रही है, करो कितना खतरनाक वाला व्यू आ रहा है। वो पार से रोड होके जाता है, उधर से होके मैं भी जाऊंगा बदनोता तक, तो उधर से वापस आ जाऊंगा जल्दी यार, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है, तो आके थोड़ा रेस्ट करूंगा। बाकी चलो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, देखो आगे चल के ही कैसा आज का मज़ा रहता है, ब्लॉग में पूरा दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। ये चेक करो अब यहाँ पे गर्मियों का मौसम जैसे जैसे आ रहा है ना, वैसे वैसे ही पेड़ों पर फूल आ रहे हैं, देखो कितना खतरनाक फूल लग रहे हैं ये पेड़ों पर। अभी सभी दरख्तों पे फूल नहीं आए हैं, लेकिन थोड़े बहुत पे यहाँ पे आए हैं ना भाई, एकदम से मस्त लग रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग अगर घूमने के लिए आना चाहते हो ना तो आ जाओ यार, जल्दी जल्दी बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि सारा कुछ बता दिया, देखोगे कि आप लोग देखो हमारे हमारे साथ तो फिर ही मज़ा आएगा, और आपको पता भी लगेगा कि कैसा मज़ा आता है और कैसा पूरा सिस्टम है भाई, सिस्टम एकदम से खतरनाक है। बाकी चलते हैं आगे यार और दिखाऊंगा मैं आगे चल के ही आपको थोड़ा और, ठीक है।
ये चेक करो भाई, मैं पहुंच गया था नाठी। नाठी का व्यू एक बार चेक कर लो, कितने खतरनाक घर बनाए हुए हैं यहाँ पे लोगों ने, और एकदम से ज़बरदस्त वाला व्यू आ रहा है। तो मैंने सोचा आपको दिखा ही लेता हूँ थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे हमने वो गाड़ी जो निकाली थी बर्फ़ में, वो भी आपको शॉट जरूर दिखाऊंगा। बाकी भाई बड़ा मज़ा आता था बर्फ़ में, लेकिन अभी बर्फ़ नहीं है तो तब भी मज़ा आ रहा है। बाकी चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको आगे चल के और कितना कैसा मज़ा आने वाला है। बाकी मिलते रहो, हमारे साथ बने रहो, चलो चलो। बाकी भाई यहाँ से एक बार व्यू चेक करो, यहाँ ऊपर मिलेगा। बाकी जो भी चल रहे हैं एकदम से भाई, इतना खतरनाक व्यू आ रहा है आपको बताऊँगा। ये चेक करो, और अभी पास नहीं है, व्यू एकदम से खतरनाक आ रहा है यहाँ से। मुश्किल से घर बना सकते हैं मंदिर पे, और इन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी, तो उसी वजह से यार अल्लाह ताला ना हर एक बंदे को मेहनत का फल देता है, लेकिन कभी किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। तो हमारी किस्मत में शायद लेट ही लिखा होगा, तो लेट ही मिलेगा, लेकिन क्या करेंगे भाई, जैसी किस्मत होगी वैसा ही फल मिलेगा। तो बाकी यहाँ से चेक करो भाई, लोग ऊपर एकदम से कितना खतरनाक वाला व्यू आ रहा है। तो एकदम से भाई हर जगह पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अगर आओ यहाँ पे घूमने के लिए ना, तो यार बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। और पहाड़ी इलाका है, गर्मी है नहीं है कुछ ज़्यादा, तो एकदम से शौक इलाका है। बाकी यहाँ पे देखो कैसे बैठे हुए हैं लोग, कोई घास ला रहा है, कोई लकड़ियाँ ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो मैं आपको बात बताऊँगा ना, यहाँ पे ना वो आटा लाने के लिए भाई मशीन नहीं होती है, हमें ग्राट होते हैं ग्राट। अभी मैंने मुझे टाइम नहीं लगा, तो चार दिन के बाद, आज मेरा पाँच दिन के बाद ही ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सेहत ठीक नहीं थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो आज मैंने सोचा यार क्यों ना टाइम निकाल के आज थोड़ा ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि यार टाइम बहुत कम मिलता है, रमजान चल रहा है, तो रोजे भी रख रहे हैं, उसी हिसाब से फिर टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो और भी काम काज जो रहते हैं। तो अभी आज ही मुझे टाइम लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपनी कार बाइक कर ही ली जाए। बाकी चलो यार मिलते हैं आगे चल के, यार बताऊंगा आपको कैसा रहा। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं थोड़ा किंगली के आसपास, ये जगह तो आप पहचानते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ से नीचे। तो बाकी यार यहाँ पे रोड अभी भी वैसे तो वैसा ही है, थोड़ा ख़राब ही है। तो मैं कहूँगा कि यार थोड़ा रोड ना ठीक किया जाए भाई, गाड़ियाँ चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बाकी ये चेक करो भाई, यहाँ पे तो पूरा पहाड़ी इलाका है। बाकी व्यू आप देखो एक बार, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है यहाँ से नीचे। वो उधर नीचे गिरी है हमारी गाड़ी, तो अभी तक हमारा उसका मसला हल नहीं हुआ है, तो उस पर बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे यार, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। बस यार चेक करो आप लोग भी, वो आज कितना मस्त आ रहा है, एकदम से मस्त व्यू आ रहा है। मैं कहूँगा यार आप भी अगर आना चाहो ना तो ज़रूर आओ यार घूमने के लिए, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। तो बाकी चलते हैं यार थोड़ा और आगे और दिखाएंगे आपको कि जैसा पूरा सिस्टम आज का रहता है हमारे ब्लॉग का। यार यहाँ से नीचे आप देखो यार, ओ नीचे दरिया है जाके, बाकी व्यू एकदम बढ़िया आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ बदनौता, मैंने आपको बताया था, तो उसको मशीन लगी है वहाँ पे काम, उसको देंगे हम ऑयल और थोड़ा बहुत और भी सामान लाया, वो देखे तो आएंगे वापस।
फिलहाल के लिए चलता हूँ आगे, तब तक के लिए आप देखो हमारी वीडियो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी आपको। ये पहुँच गया हूँ भाई फ्रेंडली, यहाँ बहुत ज़्यादा दिख हो रहा है, रुकने का है और मज़ा लेने का है। बाकी यार तो यहाँ पे बहुत रश हो रहा है, चेक करो आप लोग कितना रश हो रहा है यहाँ पे। गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगाई हुई हैं बंदी ने, तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अगर आओ ना तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है और जरूर लगाना और घूम चक्कर एकदम मस्त बनाए हुए हैं। तो पास बना देता था तो बड़ा हमारा घर होता था, तो अभी हम निशेटी चले गए हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं रहता है, तो कभी कभी आते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए आप देखते रहो यार हमारी वीडियो, तो सब्सक्राइब भी कर लो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही मज़ा आता है यार ऐसे इलाके में आके ना। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप लोग भी जरूर आना कभी मौका लगे, तो जरूर 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 घूमने के लिए आओ और इन्जॉय भी हो जाता है साथ में, बंदा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो उसी वजह से ना क्या बताऊंगा। यहाँ पे रोड थोड़ा ठीक है, बीच में खराब आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और दिखाएंगे आपको आगे चल के कैसा हमारा सिस्टम रहता है अभी। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ टिंडली के थोड़ा पीछे, तो अभी मैं जाने जा रहा हूँ बदनोता। मैंने आपको बताया ही है कि बदनोता जाऊँगा, तो यहाँ पे रोड ख़राब है भाई। मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट से कि यहाँ पे रोड थोड़ा ठीक किया जाए, ताकि गाड़ियाँ जो आती हैं उनको थोड़ी दिक्कत ना आए। ये क्या रोड बनाया हुआ है थोड़ा ऐसे इलाके में यहाँ पे। बाकी यार गाड़ी मैंने आज धोई नहीं है, बताया हुआ है आपके साथ, मैंने आज इसको धोया नहीं है। बाकी मज़ा बहुत आने वाला है, चलते हैं आगे और बताएँगे आपको चलते मशीन के पास कि कहाँ हमारी मशीन काम कर रही है और क्या काम कर रही है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। बाकी चलते हैं यार आगे और दिखाएंगे आपको। बाकी यहाँ पे भाई रोड ना आगे या पीछे हो हर तरह से सबकी है कि ये रोड कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं और क्यों इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। मैं कहूँगा डिपार्टमेंट से कि भाई इस रोड को ना जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, नहीं तो भाई अभी इस बरसात आगे से बरसात आएगी तो बरसात में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, कैसे लोग गाड़ियाँ चलाएँगे और कैसे लोग अपने घरों तक पहुँचेंगे। बहुत लंबी रोड है, मल्हार तक रोड जाती है ये, और रोड की इतनी बुरी हालत भाई ठीक नहीं लगता है। डिपार्टमेंट से कहूँगा कि भाई जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। बाकी भाई करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।